हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आलू के मंचूरियन, पत्ता गोभी के और फूल गोभी के मंचूरियन आपने बहुत खाए होंगे, मगर इस तरह से पोहा के मंचूरियन आपने आज से पहले कभी नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे पोहा मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक बाउल यहाँ पे पोहे लिए हैं, और पोहों को सबसे पहले हम पानी में भिगो देंगे। तो पोहे जो हैं बहुत ही जल्दी पानी में भीग जाते हैं, फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट के अंदर ही अच्छे से फूल जाएंगे पानी में। तो हम यहाँ पे पोहे हैं जो उनको इसमें पानी के अंदर ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने के साथ ही इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पानी को अब्जॉर्व कर लें और अच्छे से इसके अंदर भीग जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी पानी अब्जॉर्व कर लिया है पोहे ने, एकदम बढ़िया से, पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ऊपर, और बस पोहे ने जो है पानी को पी लिया है, अब्जॉर्व कर लिया है। तो पानी को पोहे के अंदर से हमें निकाल लेना है। तो इस निकालने के लिए देखिए दोनों हथेली की सहायता से आपको इसी तरह से दबा दबा के पूरा पानी इसमें अच्छे से निकाल लेना है। बिल्कुल भी इसमें आपको पानी नहीं रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही ताकत लगा के इसके अंदर से पानी को निकाल लेना है, निचोड़ लेना है अच्छे से। पोहे में से 3 मीडियम साइज़ के आलू इसी के अंदर मैंने पोहे के साथ मिक्स कर दिए हैं, और आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे थे। तो आप ये तैयारी पहले ही कर लें अगर इस रेसिपी को बनाते हैं तो। यहाँ पर मैंने प्याज ऐड करी है 4 से 5 चम्मच बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ऐड कर दी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और धनिया ऐड करने के साथ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, आप ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा नमक खाना पसंद करते हैं आप। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर, जिससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा हमारे मंचूरियन के अंदर। और यहाँ पे अभी सभी मसालों को पहले एक बार इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मसाले सारे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में आपको करना ये है कि बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मथना है, इसमें बिल्कुल भी मोटी मोटी आलू की गुठली नहीं रहनी चाहिए, और बिल्कुल आटे की डो की तरह बना लेनी है ताकि आपको इसकी बॉल्स बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पर देखिए अभी मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ, बहुत ही इजी आराम से इसकी बॉल्स बन जाएगी। और ये देखिए मैंने बॉल्स बना के तैयार कर ली है, और बिल्कुल बढ़िया सी लग रही है यहाँ पे ये बॉल्स। और अभी इनको करना है फ्राई, फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने पहले ही रख दिया था, और अभी यहाँ पे एक एक करके बॉल्स इसमें फ्राई कर लेंगे। तो आप बॉल्स जब फ्राई करते हैं तो तेल को एक बार अच्छे से गर्म कर लें, गर्म करने के बाद में जो गैस की फ्लेम है वो आपको मीडियम लो फ्लेम पर रखनी है, और बिल्कुल धीरे धीरे इनको पलटना है और फ्राई करना है, बिल्कुल धीरे से पलटे, नहीं तो ये फट जाएंगे, टूट जाएंगे इसके अंदर। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ इसमें इतने सारे पीस ऐड ना करें कि आपको बिल्कुल भी इनको पलटने के लिए स्पेस ना मिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत कम इसके अंदर इस तरह से ऐड करें ताकि इनको पलटने के अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं हो, और नहीं तो फिर ये फट जाएंगे या टूट सकते हैं, तो बिल्कुल ही मंचूरियन दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। अभी देखिए कलर चेंज हो चुका है, बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, तो एक एक करके सारे पीस फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मैंने सारे पीस फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। एक दो पीस ऐसे हैं जो इसके अंदर से टूट गए हैं, वो थोड़ा सा इसमें पलटने से टूट सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए सारी बॉल्स यहाँ पर मैंने बना के रेडी कर ली है, और ये जो बॉल्स है अभी बिल्कुल रेडी है मंचूरियन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इनको थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए ठंडा कर लेंगे, ठंडे होते हैं तब तक यहाँ पे देखिए गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल, 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड किया है, जीरे को हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ ऐड करेंगे प्याज, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी 2 मैंने। प्याज को हल्का गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसमें अभी और किसी तरह से आप कड़ी पत्ते भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, किसी को स्वाद अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 2 ऐड कर देंगे इस तरह से हम यहाँ पे, और लहसुन का पेस्ट आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें, क्योंकि लहसुन के पेस्ट के बिना मंचूरियन का जो टेस्ट है बिल्कुल भी नहीं आता है। गार्लिक पेस्ट तो होना ज़रूरी है, मगर मैंने यहाँ पे गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया है, ये आपको मैं विशेष बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और मैंने जब ये रेसिपी बनाई थी तो बच्चों की फरमाइश पे बनाई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि वेजिटेबल कुछ है नहीं फिर कैसे बनाई जाए। तो इस तरह से ये रेसिपी मैंने पोहे की तरह बनाई है, पोहे से मंचूरियन बनाया है बच्चों के लिए। लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच कश्मीरी, और 1 चम्मच मैंने छोटा नॉर्मल वाला लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम, और यहाँ पे ऐड कर देंगे काली मिर्ची पाउडर 1/4 टेबल स्पून, फ्राई कर लेंगे। तो इसको जब भी मंचूरियन बनाते हैं तो ये विशेष ध्यान रखें कि वो स्पाइसी ज़रूर होना चाहिए, इतना भी स्पाइसी नहीं होना चाहिए कि बच्चे नहीं खा सकें, मगर हाँ थोड़ा सा उसमें टेस्ट ज़रूर आना चाहिए कि जब हम खाएँ तो हमें लगना चाहिए कि मार्केट वाले जो मंचूरियन हैं उनके जैसा स्वाद इसके अंदर हमें महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए
मैंने टमाटर ऐड किया। टमाटर को आप प्योरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे भी इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, ग्रेवी अच्छी बन जाती है, इसलिए कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़े से इस तरह से आलू और पोहे का जो मिश्रण था उसको मैंने बचा के रखा था, वो यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच ऐड करेंगे सोया सॉस, और सोया सॉस ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड किया है, और 1 छोटी कटोरी हमने यहाँ पे इसमें रेड सॉस, टमाटो केचप ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से टमाटो केचप, सोया सॉस और रेड चिली सॉस के बिना तो बिल्कुल भी मंचूरियन स्वाद नहीं लगता है। तो ये आप ज़रूर ऐड करें, और नहीं ऐड कर सकते हैं तो आप घर पर भी चटनी बना सकते हैं। और इस तरह से चटनी के लिए आपको ज़्यादा गार्लिक, साबुत लाल मिर्ची और टमाटर से आप चटनी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी हमारी बढ़िया अच्छे से मसाले पक जाए, तेल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे अभी देखिए, इसमें एक एक करके हम मंचूरियन ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी इसमें घुलेंगे नहीं। ये आपको लग रहा है कि अभी मैंने इसमें ऐड करें तो ये घुल जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये काफ़ी ही सॉफ्ट बनेंगे। इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आज से पहले आपने इतने सॉफ्ट मंचूरियन नहीं खाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार, और थोड़ा सा इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे ताकि जल्दी पक जाए। तो यहाँ पे धीरे धीरे इनको हिलाते जाएंगे इस तरह से, बिल्कुल धीरे से हिलाना है आपको, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, नहीं तो ये आपके जो मंचूरियन है पोहे के टूट सकते हैं। तो ये देखिए, उबाल आ चुका है और बहुत बढ़िया तेल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन आप जरूर दबा दें फ्रेंड्स।